शहजादी रुकैया को बादशाह हुमायूं के दरबार में फैसले के लिए बुलाया जाता है। बादशाह हुमायूं शहजादी रुकैया को माफ करते हैं, लेकिन शहजादे अकबर न्याय और इंसाफ की मांग करते हैं और शहजादी रुकैया को सजा सुनाते हैं। कासिम और आदम शहजादी रुकैया से कहते हैं कि शहजादे अकबर कहीं उन्हें और उनकी अम्मी को मारकर सारी जागीर हड़पना तो नहीं चाहते। शहजादी रुकैया शहजादे अकबर से काजी बाबा की मजार पर जाने की बात करती है। मजार पर जाते वक्त शहजादी रुकैया पर जानलेवा हमला होता है। शहजादे अकबर अपनी जान पर खेलकर शहजादी रुकैया की जान बचाते हैं। शहजादी रुकैया को शहजादे अकबर पे भरोसा होता है कि वो अच्छे और नेक इंसान है। शहजादी रुकैया अपनी बदसलूकी के लिए शहजादे अकबर से माफी मांगती है। शहजादे अकबर को पता चलता है कि उनके दादा बादशाह बाबर ने हिंद पर युद्ध के दाव पेचों की किताब लिखी है और वो किताब कुतुब खाना में रखी है। अब आगे, अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम आपको एक मशवरा दे सकते हैं? बेशक शहजादी। इस काम को आपको बड़े अब्बा की नजरों से बचते बचाते अंजाम देना होगा। और हाँ, अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। हमें अच्छा लगा कि आपको हमारी फिक्र है। आप इत्मीनान रखिए, हमें कुछ नहीं होगा। शहजादे, अब देर किस बात की? जब फैसला हो ही चुका है तो कुतुब खाने के लिए रवाना हुआ जाए। बेशक। कहीं इन पहरेदारों को अब्बा हुजूर ने हमारे आने जाने पर पाबंदी लगाने का हुक्म तो नहीं दिया? पता लगाने का बस एक तरीका है। जो आराम फरमाते फरमाते हम बेजार हो चुके हैं। हम सोच रहे हैं कुछ देर टहल कर आते हैं। जो हुक्म हुजूर, हम फौरन खासा सिपाहियों को आपके साथ भेज देते हैं। सिपाही? अपने ही किले में टहलने के लिए हमें सिपाहियों के साए की क्या जरूरत? गुस्ताखे माफ हुजूर, लेकिन आलमपना का हुक्म है कि आपको कहीं भी अकेला ना जाने दिया जाए। बहुत खूब सिपाहियों, बहुत खूब। हमारा फिर से आराम करने का मन कर रहा है, हम बेशक कल टहलने जाएंगे। जो हुक्म हुजूर। हुजूर ने हमारी हिफाजत के लिए सिपाही तैनात करके रखे, ये हमें बाहर नहीं निकलने देंगे। तो आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते? बेशक जा सकते हैं, लेकिन सिपाहियों के साथ। और अगर इन्हें पता चल गया कि हम दिल्ली पर चढ़ाई करने की फिराक में हैं और दादा हुजूर की किताब हासिल करना चाहते हैं तो ये आलमपना तक बात पहुंचा देंगे। यकीनन। और आप तो जानते हैं कि अब्बा हुजूर दिल्ली पर चढ़ाई की बात सुनते ही नाराज हो जाते हैं। तो करें तो क्या करें? हम अपनी बचपन की तरकीब का इस्तेमाल करेंगे। बचपन वाली तरकीब? कौन सी तरकीब? आप रात में करीम के साथ आइएगा और वही बचपन वाली आवाजें निकालिएगा। हम इशारा समझते ही खुफिया रास्ते से आप तक पहुंच जाएंगे। ये तरकीब खूब रहेगी। आप हमारे इशारे का इंतजार कीजिएगा। शुक्रिया बेगम। अब्बा हुजूर, अम्मी जान, आइए जरा। अब तबीयत कैसी है आपकी? हम बिल्कुल ठीक है अम्मी जान। और आज खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। वाह, आज तो सेवैया पकी है। जी हाँ, आपकी पसंदीदा है ना, इसलिए। आइए नोश फरमाइए। पहले आप बिस्मिल्लाह कर लीजिए। शहजादे, अच्छी खुराक की जरूरत तो सबसे ज्यादा आपको है, ताकि आपके जख्म जल्द से जल्द भर सके।
माशाल्लाह आपकी अम्मी जान तो अच्छी खासी तंदुरुस्त है, क्यों बेगम? आई आप हमारी इतनी भी फिक्र ना करें, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। बस एक बार दादा जान की वो किताब हमारे हाथ लग जाए, उनकी तरकीबें अपनाकर हम बहुत जल्द आपके लिए दिल्ली का तख्त हासिल कर लेंगे अब्बा हुजूर। शहजादे आइए। हाय। बहुत बढ़िया बेगम, बहुत खूब। शहजादे, इस हादसे के बाद शहजादी रुकैया काफी सहम गई होंगी, उनकी हिफाजत के लिए हमें खास बंदोबस्त करना चाहिए। जी अब्बा हुजूर, उस हमले के बाद वो जरूर गहरे सदमे में होंगी, लेकिन आप फिक्र ना करें, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपने हमें दी, हम शहजादी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। शाबाश, अब हम खाना शुरू करते हैं। अब्बा हुजूर, शहजादे आपकी सेवैयां आपसे कोई छीन के नहीं ले जा रहा है। ऐसा नहीं है अम्मी जान, आप तो जानती हैं कि आपके हाथों की सेवैयां हमें कितनी पसंद है, और हमें भूख भी बहुत लगी थी। अब्बा हुजूर, अम्मी जान, अब हम अपने ख्वाबगाह में जाते हैं। अरे थोड़ी देर बैठिए हमारे पास, बातें करिए हमसे। अम्मी जान, ये सब हकीम साहब की दवाइयों का ही असर है, हमारी तो खड़े खड़े आंख लग रही है। ठीक है शहजादे, आप जाके आराम फरमाइए, सर अपना ख्याल रखिए, हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाए। बेशक अब्बा हुजूर। श्रवण और करीम कहाँ रह गए? कहीं ऐसा ना हो हमें किले से निकलते निकलते ही देर हो जाए, और कहीं अगले पहर के सिपाही ना आ जाए। बेकार आवाज निकाली तुमने, क्या तुम्हें बचपन के इशारे याद नहीं? मैं पूरा यकीन नहीं, यही आवाज थी। अब हमारा गला सूख रहा है, तुम ही निकालो आवाज। ठीक है, शहजादे बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे चक्कर में हमेशा देर हो जाती है। अब देखो शहजादी का वहां इंतजार करना होगा।
शहजादे, आप लोगों को इतनी देर कैसे हो गई? अब बातों में ज्यादा वक्त आया ना, आगे बढ़ते हैं। शहजादे, यहां तो कोई पहरेदार नहीं है, यही सही मौका है। हम कुतुब खाने को अंदर से देखने की चाहत रखते हैं। माफी चाहता हूं हुजूर, अंदर जाने का रास्ता पीछे के दरवाजे से। आइए। हुजूर ये दरवाजा है। क्या आवाज थी? आवाज तो हमें भी सुनाई दी। कुछ नहीं सर, हमारी तबीयत खराब है। शहजादे, इंतजार का वक्त खत्म हुआ, आप जाइए, मंजिल आपका इंतजार कर रही। आप जो भी ढूंढ रहे हैं शहजादे, खुदा आपको जल्दी अदा करे। अब तो हम अपने दादा हुजूर फिरदौस मकानी बाबर की विरासत वापस लेकर ही लौटेंगे। कुतुब खाना है या अजैब खाना, ऐसा मालूम होता है जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया। शहजादे, आप ठीक तो है? हम बिल्कुल ठीक हैं। Thank you.
इतना ढूंढने के बाद भी हाथ आई तो महज धूल, हमें श्रवण और करीम की मदद लेनी ही होगी। कुछ तो बात है, सिपाही के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। वैसे जनाब, यहाँ पारसी शायरों की कलाम होगी? जी। वो रास्ता कहाँ जाता है? वो हिंद से किताबें लाई हुई है जी। ओ सरदार, हटो। श्रवण, तुम उससे संभालो, हम भागने पड़ते हैं। कौन है आप लोग और किसने भेजा है आपको? आप भी क्या बातचीत में लग गए वली अहद? जरा एक नजर इधर भी तो देखिए। ये आपके दादा हुजूर शहंशाह बाबर की किताब तुजुके बाबरी है, जिसकी तलाश में आप यहाँ आए हैं। हमने सुना है कि आपको मुश्किलों का सामना करने का बेहद शौक है। अगर हिम्मत है तो ये किताब आप यहाँ से ले जाकर दिखाइए। ये किताब हमारे दादा हुजूर फिरदौस मकानी शहंशाह बाबर की विरासत है और इसे यहाँ से ले जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इस किताब को ले जाने के लिए यहाँ से जिंदा बचकर निकलना भी तो जरूरी है। जरा गौर से देखिए, आपके चारों तरफ मौत मंडरा रही है। शहजादे, आप ठीक तो हो ना? आपको तो काफी चोटें आई हैं शहजादे। आप देख रहे हैं करीम, ये किताब हमारे दादा हुजूर फिरदौस मकानी शहंशाह बाबर की है। इस बेशकीमती खजाने को हासिल करने के लिए ये छोटी मोटी खरोचे तो कुछ भी नहीं। शहजादे, हमें जल्दी महल के लिए निकलना चाहिए, ये जगह खतरों से खाली नहीं है। बेशक श्रवण, हमें जिसकी तलाश थी वो हमने हासिल कर लिया।
अब हम अपने अब्बा हुजूर को दिल्ली पर हमला करने के लिए जरूर मना लेंगे।